हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो आप लोग आउटडोर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा क्यों मैं इस तरह का वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोग मिलो हमारे जो गेस्ट है आज, वेलकम सुब्रतो भाई। थैंक यू। इनका चैनल है गेमिंग सुब्रतो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये फ्री फायर लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो पहचान उनको इसी से मिला है, फ्री फायर गेमिंग से ही इनको पहचान मिला है। लेकिन आज की डेट पे इनके और भी काफी सारे चैनल्स है। भाई को पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, वीडियो पे, उसके बाद आगे बात करेंगे। और यहाँ पर वीडियो बनाने का मेन मकसद इसलिए है क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये YouTube करते हैं, YouTube पे गेमिंग करते हैं, और उसी गेमिंग चैनल से जो अभी अर्निंग हुआ है उसी के थ्रू आज इतना बड़ा जो घर आप देख रहे हो, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, बन ही रहा है, बट अंदर में बहुत कुछ बन भी गया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसीलिए बाहर में शूट हो रहा है। तो थोड़ा अपने बारे में आप बताओ सुब्रतो भाई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप तो यहाँ प्रॉपर यहाँ के तो नहीं है? तो एक्चुअली मैं गांव में रहता था पहले, मेरा गांव था बर्धमान में मानकोट, वहाँ पे मैं रहता था। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब, एंड यूट्यूब में भी मैं मनोजदा का बहुत सारा वीडियो, मैं बहुत पहले से फॉलो करता था मनोजदा को, जब अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाते थे तब से। तो अब मैंने ऐसे चैनल खोला था, मैंने पहले मेरा भी अर्निंग चैनल था, फिर बंगाली चैनल खोले, फिर आया गेमिंग में। तो गांव में मतलब सब लोग गेम खेलते थे, लेकिन मैं गेम खेल के वीडियो बना के अपलोड करता था, इसीलिए जब सब मतलब खेलते थे, खेलते और थे। भाई खेल के वीडियो बना के अपलोड करते थे, दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। एक्चुअली गेम जो है, मैं पहले क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता था, मेरे को देख के बहुत लोग खेले, उसका भी वीडियो बनाता था। फिर फ्री फायर आया, फ्री फायर जैसे तुरंत आया, मैंने बंगाली में एक गेमर था, ठीक है, एक शाह गेमर था जो फ्री फायर का वीडियो अपलोड करता था, तो उसी को देख के मैंने सोचा मैं भी कर सकता हूँ। उसका तो 20-25 हज़ार व्यूज आता था शुरू में, तो मैंने भी स्टार्ट किया, और बंगाली में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि मैंने बंगाली से शुरू किया। हाँ, क्योंकि इनका कंटेंट आप लोगों को बता दूँ, इनका बंगाली कंटेंट रहता है, ठीक है, ये बंगाली लैंग्वेज में ही वीडियोज़ बनाते हैं, और ये अभी रहते हैं कोलकाता में, और मैं इनके यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, अभी इन्हीं के घर पे ही मैं रुका हूँ। YouTube का भी स्टार्ट किया था, कौन से साल में किया था आपने? 2016 में किया था। 16 में किया था। चैनल ग्रो कब हुआ था? 19 में। 16 में स्टार्ट किया था, 19 में ग्रो हुआ था। 3 साल मेहनत लगा, ठीक है, 3 साल, एक भी रुपया ना पैसा आया, ना व्यूज आया, ना कुछ भी आया। और आपका शायद कोई एक चैनल था सेम प्रॉब्लम? एक्चुअली मेरा जो गेमिंग चैनल, गेमिंग सुब्रतो चैनल, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ ना, उसमें पहले होता था ना इनवैलिड क्लिक या फिर कुछ हो जाता था, इनवैलिड क्लिक बहुत लोगों को होता था, तो ऐसे ही मेरा चैनल था, मेरा भी सेम सिचुएशन था, 3 लाख सब्सक्राइबर हो गया था, नो अर्निंग, नो मोनेटाइजेशन, घर में गाली सुनता था। फिर मैंने एक और चैनल खोला गेमिंग सुब्रतो लाइव, उसमें मैं बंगाली में वीडियो बनाता था, 1 महीने में 1 लाख क्रॉस हो गया, फर्स्ट पेमेंट आ गया, घर वाले खुश, सभी खुश। 1 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया? हाँ, 1 महीने में फर्स्ट पेमेंट भी आ गया, फर्स्ट पेमेंट में आ गया। क्यों आ गया पता है? 3 साल पहले आपने मेहनत कर किया हुआ था ना ऑलरेडी, बहुत एक्सपीरियंस था इस फील्ड में। मेरे को पता था कि आज नहीं होगा कल होगा, मैं दिन में दो दो वीडियो डालता था, दो वीडियो। मैंने एक चीज है, मेरा जो हिंदी चैनल था उसमें मैंने 750 वीडियो अपलोड करके 750 सब्सक्राइबर गेन किए थे, बताओ 750 वीडियो डाल करके 750 सब्सक्राइबर हुआ था, समझ रहे हो ना? पहले उसके बाद फिर चैनल जो स्टार्ट हुआ गेमिंग वाला, 1 महीने में 1 लाख हो गया। तो मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती, और बिना मेहनत किए कभी जय जयकार नहीं होती, आप लोगों ने लाइन सुना होगा। दोस्तों हम सभी इस कार्ड गेम को अलग अलग नाम से खेलते हैं, कोई इसे ट्रप रंग, 7 हाथ के नाम से खेलता है, तो कोई इसे कोट पाइस, चौकाड़ी, लकड़ी, प्लस माइनस के नाम से खेलता है, और यही आपका मनपसंद गेम MPL प्रो ऐप पे कॉल ब्रेक के नाम से आता है। जी हाँ दोस्तों, गेम है वही, नाम है नहीं। अब मैं बताता हूँ कि क्यों मैं कॉल ब्रेक गेम को सिर्फ MPL प्रो ऐप पे ही खेलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, MPL कॉल ब्रेक सिर्फ इंडिया का सबसे बड़ा कॉल ब्रेक प्लेटफॉर्म ही नहीं है, बल्कि दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रेट ऑफर्स, फ्री गेम्स एंड हाई वैल्यू टूर्नामेंट्स भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारत में सिर्फ MPL कॉल ब्रेक पर ही आप ट्रफ रंग या फिर जो भी कहो आप खुद चुन सकते हो और लाखों के इनाम जीत सकते हो। जी सही सुना आपने, कोई और ऐप ये आपको मौका नहीं देता है। आप अपने पसंदीदा ट्रंप को खुद चुन सकते हो गेम स्टार्ट होने से पहले, और गेम को अपने कंट्रोल में रख सकते हो, तो इससे आपका जीतने का चांसेस और ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें MPL कॉल ब्रेक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, और यूज करें मेरा साइन अप कोड MNOJCV50, जिससे आपको मिलेगा तुरंत 50 रुपीज का बोनस कैश। देखिए घर जो आप लोग देख रहे हो, ये घर बना हुआ है कोलकाता में, ठीक है, प्रॉपर एड्रेस तो नहीं बता सकते, अदरवाइज यहाँ पर जो है ना ये भीड़ लग जाएगा। और बताना चाहेंगे सुब्रतो भाई का काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है बंगाल में, क्योंकि बंगाली लैंग्वेज में वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी लोग पहचानते हैं इनको। तो ये जो प्लॉट है, सबसे पहली बात, जहाँ पर ये घर बना हुआ है, जमीन ये भी खरीदा हुआ है, वो भी यूट्यूब के ही पैसे से खरीदा हुआ है। तो पहले इन्होंने जमीन खरीदा था, जमीन कितना है ये 5 कट्ठा था, 5 कट्ठा जमीन है, ठीक है, पहले जमीन को खरीदा,
और इस जमीन में फिर घर खरीदने के बाद फिर घर बनाया है। हाँ, क्योंकि मेरे को फ्लैट उतना अच्छा नहीं लगता था। फ्लैट अच्छा का घर होगा, यहाँ पे गाड़ी पार्क होगा, आपका भी ये 4-5 गाड़ी यहाँ पे पार्क होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अभी देखिए इनके पास कार भी है, बलेनो, वो देख रहे हो ना मेरे कार के आगे में वहाँ लगा हुआ है। तो वो बलेनो कार भी यूट्यूब के ही पैसे से है, घर भी यूट्यूब के ही पैसे से है। घर देखिए कितना अच्छा बना रहा है, एकदम बंगलो टाइप का। ठीक है, अभी तो रेडी भी नहीं हुआ है, रेडी होने के बाद हो सकता है कभी मैं आऊँगा तो फिर एक वीडियो कभी बना करके दिखा देंगे। फिलहाल मैंने सोचा कि क्यों ना मोटिवेशन के लिए जैसा भी हो आप लोग साथ दिखाया जाए, क्योंकि मेहनत देखिए 2016 से यूट्यूब कर रहे हैं, अब जाके ये सारा मुकाम हासिल किए। अब चलिए घर के अंदर थोड़ा चलते हैं, दिखाते हैं घर के अंदर में सेटअप वगैरह। ठीक है, जहाँ पर ये गेमिंग वगैरह करते हैं वो सेटअप अभी थोड़ा सा बना हुआ है, देख लीजिए। ये है घर का हमारा मेन गेट। ये साइकिल कौन चलाता है? मैं चलाता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। पहले साइकिल ही था ना, सब पूरा दिन साइकिल लेके घूमता था। इधर ग्राज है, ग्राज वाला गेट इधर है। ठीक है, ये देखिए अंदर रेडी हो गया, बाहर में भले नहीं हुआ है बट अंदर जो है फर्स्ट वाला ग्राउंड के लिए, हाँ ग्राउंड फुल रेडी हो गया। ये देखिए ये है घर, ये है हॉल, यहाँ पे हमने अभी बहुत कल से इंजॉय किया है। ठीक है, और इधर देखिए मेन स्टूडियो पहले दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए ये है सुब्रतो भाई का मेन स्टूडियो अभी फिलहाल, ये बाद में चेंज भी हो जाएगा। तो ये देख रहे हो ना, इसी में मैंने लाइव स्ट्रीम किया था अपने टेक चैनल पर, आप लोगों ने अगर देखा होगा यहीं पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। ये पूरा सेटअप है, देखिए गेमिंग पीसी है, दो दो मॉनिटर्स है, यहाँ पे देखिए वेबकैम लगा हुआ है, इधर माइक लगा हुआ है, कीबोर्ड है, माउस है, सब कुछ, वाईफाई है, सब कुछ है। तो गेमिंग चैनल चलाता है तो लाइव स्ट्रीम करना पड़ता है, रेगुलर करते हैं। एक और कारण है मैं यहाँ पे कलकत्ता में शिफ्ट होने का, क्योंकि मेरा गांव मेरे को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ पे ही पला भरा हूँ। एक्चुअली वहाँ पे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ऊपर से क्या बोले उधर का नेट एक बार खराब हो जाए तो 2-3 दिन लगता है। गांव में तो होता है, गांव में जो बिलोंग करते हैं आप लोग पता ही होगा गांव में बहुत दिक्कत होता है लाइट वगैरह का। ये हो गया, बाकी उधर वॉशरूम है वो क्या ही दिखाएं। हाँ, अभी अंडर वॉशरूम तो सबका सेम ही होता है, काम हो रहा है। उधर एक रूम है जहाँ पर हमारे भाई लोग बैठा हुआ है। ठीक है, अब चलिए छत जाकर दिखाते हैं। ठीक है, अभी जो है बन रहा है, तो इतना फ्रैंक होकर के वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोग काफी दिनों से फ्रैंक हैं ना हम लोग का। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये अभी रेडी हुआ ही नहीं है, अभी ये पूरा रेडी हो जाएगा। ये पूरा देखिए डाइनिंग एरिया है। ठीक है, उधर एक रूम है, उधर से बालकनी भी है, इधर आ जाओ। ये अभी बेडरूम वगैरह सब बनेगा, अभी काम होगा, अभी काम बहुत होना है। देखिए इधर बालकनी है, कितना मस्त व्यू है, उधर व्यू को दिखा रहा है। देखिए तालाब वगैरह अभी देखिए, अभी गेमिंग जो मैं काम कर गेमिंग हाउस एक मतलब रूम बना रहा हूँ उतना। ये देखिए ये मेन स्टूडियो बनेगा अभी। ठीक है, इसमें अभी पूरा सेटअप होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। इधर भी बालकनी है, इसके बाहर में भी, मतलब अच्छा लगता है, खुद का घर हो जैसे मर्जी ऐसे बनाओ। और घर के चारों तरफ व्यू जो है काफी अच्छा है, नेचर है, देखिए घास है, पेड़ पौधा है, जानवर है, इससे अच्छा शांति कहाँ मिलेगा। कोलकाता में थोड़ा आउट एरिया में इन्होंने लिया है प्लॉट, इसीलिए कि शांति मिले, शांति इंसान को जो उतना नहीं है। उधर भी एक रूम है, ठीक है, इधर भी एक रूम है, मतलब कितना सारा रूम बना ली है बताइए। आपका एक ही भाई, आप लोगों को रहना तो है ना, आपका एक ही भाई है ना, एक ही भाई। अच्छा, हम लोगों के लिए बना है इतना सारा रूम ना, समझ रहे ना, मतलब कभी भी कोलकाता आए तो होटल वगैरह में रुकना नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगता यहां पर रुकना है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं फाइनली छत पे, और छत से देख सकते हो कितना मस्त व्यू है एकदम चारों तरफ। एक बार दिखाओ कैमरा से, इस साइड आपको शहर मिलेगा, ठीक है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा सा। उधर शहर दिखाओ थोड़ा जूम करके, वो जूम करके दिखाओ, देखिए उधर शहर है पूरा कोलकाता सिटी, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, ओनली 5 किलोमीटर मान के चलो। और इधर देख सकते हो चारों तरफ कितना मस्त व्यू है, उधर तालाब वगैरह, इधर गांव के बहुत अच्छा, इधर गांव टाइप का फील होगा और उधर शहर टाइप का फील, मतलब दोनों चीज़ का फील आपको यहीं पर मिल जाएगा घर पर। तो ये रहा सुब्रतो भाई का घर, अभी पूरा अच्छे तरीके से रेडी भी नहीं हुआ है, जब रेडी हो जाएगा तो कोशिश करेंगे एक और वीडियो का भी आकर के बनाएं, बट हाँ जो भी है सब कुछ यूट्यूब के ही वजह से है। सुब्रतो भाई भी काफ़ी ग्राउंड लेवल से ही आज इस मुकाम पे हैं। ठीक है, कौन कौन सा चैनल आपका अभी इस टाइम पे? इस टाइम पे मेरा एक है गेमिंग सुब्रतो लाइव, और एक है सुब्रतो जो ब्लॉग डालता हो, और एक शॉर्ट्स चैनल है। तो सब मिला करके 4-5 मिलियन है टोटल अगर चैनल का सब्सक्राइबर काउंट कर देते हैं ना, 3 मिलियन 3-4 मिलियन। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है YouTube पे। ठीक है, उससे पहले आप क्या करते थे YouTube से पहले? उससे पहले मैं काम करता सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, और होटल मैनेजमेंट के लिए भी गया था, मतलब बहुत कुछ कर लिया, बहुत काम करते, सेंटर एक घर का काम भी कर चुका हूँ,
बहुत सारा काम हुआ, लेकिन फाइनली सक्सेस देखिए YouTube से ही मिला है। ठीक है, जो कुछ है सब YouTube के ही वजह से है। तो आई होप आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा। इस तरह के वीडियोस मैं रेगुलर बनाता रहूँगा ताकि आप लोग को थोड़ा सा चिंगारी पैदा हो अंदर में और काम करने की इच्छा जागे और मेहनत करने की इच्छा जागे। YouTube पे YouTube टिप्स देने वाला हजार घूम रहा है, मोटिवेशन देने वाला अभी तो कोई होना चाहिए ना YouTube पे। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। भाई का चैनल का भी मैंने मेंशन कर दिया, जाके चेकआउट कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।